हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है 7 अप्रैल 2021 बुधवार का दिन। जैसे कोरोना ने फिर से दस्तक दे दिया है, तो इस टाइमिंग में हमारे गांव पे बाजार वगैरह जो है बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाजार की भीड़ भाड़ में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन कुछ कुछ सब्जियों की जो दुकान है वह जरूर खुलेगी। जो लोगों की एक भावना होती है कि हम लोग को बुधवार को ही मार्केट करना है, मतलब बाग बाहर खरीदी में आना है, तो वैसे लोग तो जरूर आएंगे। अभी कुछ फल, बड़ा और समोसा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि विशाल लोग आए हुए हैं, ये रांची जा रहे हैं। और अभी क्या है कि मेरा साला जो विशाल है वो रांची में सेट हो गया है। क्या अच्छा है, इसको ले ना, अंदर तक ले लूँगा मैं, एक ठो ला देना, एक ठो ना, हम भीड़ कम होगा तो। ले पहुँच गया। हेलो, क्या ऐसे खाएगी क्या? ये बड़े तो अच्छे दिख रहे हैं। हाँ भी खाओ, कल भी जीजू खिलाए हैं खूब सारे आलू बंडे समोसे। हाँ, हाँ। लाया कैसे इसको, देखो कितनी स्टाइल से। कोई नहीं, खुद खा लो और खाओ जाओ। हाँ तो क्या, घर है। कितना का है हड़बड़ा रहे हो रांची जाने के लिए? हड़बड़ा नहीं रहे, नया नया ड्राइवर हूँ मैं। अच्छा, तू ही चला के ले जाएगा रांची तक? चला के भी आए हैं पूरा। अच्छा, जानबूझ के मना किया होगा, ड्राइवर नहीं लाए हो, पता है मेरे को। तो अभी अभी विशाल, मतलब इसका मामा जो है आचार्य, फिल्म रांची में सौम्य से पढ़ने के जो है बात की है, इसको हम लोग रखेंगे हॉस्टल में, क्योंकि बदमाशी बहुत करता है, रहेगा ना सौम्य? नहीं, इसलिए थोड़ी इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, इतना स्मार्ट बच्चा है हमारा। बदमाशी बिगड़ करता है ना, उसीलिए इसको हॉस्टल में डालना है। कोई नहीं, सिस्टम में आ जाए। स्मार्ट तो है, कितना इंटेलिजेंट है। नहीं है, वो बदमाशी दिन भर गेम की तरफ ध्यान रहता है ज़्यादातर, इसी वजह से हम लोग इसको सौम्य को जो है खासकर हॉस्टल में डालेंगे। एक आठ साल के लिए डालूंगा सोच रहा हूँ मैं। एक साल क्यों, समझा दे, पूरा 12th तक पढ़ेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन भी अच्छे से करेगा। पढ़ाई लाइफ टाइम के लिए होता है। कौन खा के, उसके बाद जो करना है वो करेगा। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बोलते बोलते आखिरी में पूरा मार्क्स आ गया। भाभी आपको दिखा रहे, देख लो मेरे हाथ में। इसमें डुबा के खा के देखो, मस्त लगेगा इमली के साथ। कैसे लगा? खट्टी-मीठी है। बस मैं यहाँ बैठा ही हुआ था कि गोलू का बुलावा आ गया है। निकल गया है इसका, यहाँ जो हैंडल रहता है ना, ये हैंडल वगैरह निकल गया है। ये सब डालना पड़ेगा इसको, ये इसका मुंह उधर रहेगा। सब अस्त व्यस्त हो गया है इसका, सेटिंग पूरा गड़बड़ा गया है। सीढ़ी बना दी है यहाँ पे, देख के सौम्य। ये बहुत धीरे से ही होता है इलायची, समझ नहीं आ रहा है कब होगा ये आम, लेकिन कितना ज्यादा हुआ है देख रहे हो। हाँ, पता नहीं कैसा है, जो मीठा ही होगा लग रहा है मेरे को भी, सुनने से पता चलेगा। हाँ, बढ़िया आम है ना, क्वालिटी है। ये भी तो ही वाला है शायद, ये वाला एक देहाती टाइप का हो गया लग रहा है पौधा मेरे को, ये वाला पत्ता ही देख के लग रहा है। देखते हैं फलेगा तब पता चलेगा। ये तोते दे, जा चाची खिला दे, ये चाची बोल रहा हूँ मामी को। कैसा है टेस्ट, पकने के बाद और अच्छा लगता है। सभी लोग तोड़ तोड़ के खा गए ना, सारे के सारे बच्चे लोग। जा बन्नी, क्या हो रहा है इलायची, कहाँ ना सही में? अरे वाह, इलायची का फूल लग गया, मतलब इलायची स्टार्ट हो जाएगा, इसी में ऊपर ऊपर फलता है इलायची, गजब हो गया। सेजू तो कहाँ घूम रही है, इधर आंख बंद हो गया था बाबू, फिर से लेंगे ना, आंख बंद हो गया था। दोनों का ठीक है, आपका हिल निकल गया मेरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहना फोटो में। आ जाओ ऊपर, सीढ़ी से चढ़ा के लाता हूँ।
आशीर्वाद वापसी कब है? यहाँ आने का अब आप लोग आना। हम लोग तो आएंगे ही, बाकी आना आप लोग भी आओ ना उधर। ठीक है फिर, विदाई का घड़ी तो आ गया है, अब रांची आने का बहाना भी हो गया। एक नंबर हवा चल रहा है, एक नंबर हवा। मजा तो है मौसम में, लेकिन लाइट बस गोल मत हो बस। महाराज चार पांच दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, अभी अचानक ही रात को मेरे को दिखाई दिया। तो हम लोग सामने जो ढाबा है वहाँ पे चाय पीने जा रहे हैं महाराज के साथ, और हवा भी बहुत तेज चल रहा है, बड़ा गजब का लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा जो चल रहा है, और ये पत्ता वगैरह भी उड़ रहा है। विकट तबाही टाइप का मौसम हो गया है। हम लोग का प्लानिंग नहीं था चाय पीने का, लेकिन मौसम की नजाकत को देखते हुए हम लोग चाय पीने का जो है निर्णय लिए हैं, और जा रहे हैं सरस ढाबा। पहुंच गए सरस ढाबा। नमस्कार यादव जी, पापड़ और चाय पिलाइए। हाँ महाराज, मस्त हवा चल रहा है भाई, एक नंबर हवा चल रहा है, मजा आ जा रहा है। क्या हो गया महाराज? पंकज को बोल रहा हूँ मैं, इसका कुछ खिलाया पिलाया नहीं करते। अच्छा, ये नया गाड़ी खरीदा है ना R15, याद है वो खिलाया हूँ बोल रहा है। ऐसा आप खाए तो पेड़ा खावेज करेगा मतलब तू? और चाय पियेंगे। और ये जो हमारे ढाबा के ओनर थे उनका यह है लड़का पंकज, R15 लिया है। अरे वाह, इसकी खुशी में पेड़ा। मैं ये पोजीशन बना के देख रहा हूँ, एक नंबर शूट कर रहा है तू। शूट कर रहा है वो तो ठीक बात है, कमर में साफी बांध के जो तू बैठा है ना, किसान आंदोलन में जा रहा टाइप का दिख रहा है। इसमें लेडीज लोग नहीं बैठ पाएंगे गाड़ी में, मान ले अगर कभी इमरजेंसी पड़ गया तो। बैठ सकते हैं इमरजेंसी में? वो मतलब साड़ी पहन के तो नहीं बैठ सकते ना। गजब, ले मारे यहाँ बैठा इधर। पेट्रोल भी नहीं देने का बात आ रहा है इस बार लॉकडाउन में। अरे दफ्तर बंद है, बैंक बंद है, तो रोड का ढाबा अलाउ कर दिया हर जगह का, रोड का जो भी रोड का ढाबा है टाइम दिया होगा उसमें भी टाइम। जशपुर जिले का आदेश है, जिला वाइज सब निकाल रहे हैं आदेश को। अंबिकापुर कलेक्टर जो है अपना स्वयं पूरा शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा डिसीजन ले रहा है। पानी टपकना चालू हो गया महाराज, थोड़ी देर में ही कहीं बारिश तेज तो नहीं हो जाएगा? बारिश तो तेज होगा या नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बागबहार में लाइट नहीं है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम लोग घर जाने वाले थे ना, बस पीछे की तरफ थोड़ा सा हम लोग बस घूमने आ गए ढाबा के पीछे। और महाराज कैसा फील कर रहा है यार? मौसम बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो हवा जो है, ये हवा अपने साथ मिट्टी की खुशबू, अगल बगल के पौधों की खुशबू, फूलों की खुशबू को लेके जो पूरब से पश्चिम की ओर ले जा रही है, मानो नहीं महाराज पूरब से पश्चिम नहीं है, दक्षिण से मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है अभी हवा। उत्तर से सॉरी, हाँ से दक्षिण की ओर, सही है महाराज। और ये मौसम इसे सिर्फ एहसास किया जा सकता है, एक बयान नहीं किया जा सकता, एक तरफा। और ये थे महाराज की वाड़ी, और मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, सामने आप लोगों को हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यह जो जगह है, ये ढाबा है, और ढाबे के पीछे यह जो जगह है, यह जो मैदान है, इसके काफ़ी आगे अगर आप लोग जाते हैं तो पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, और पहाड़े हैं सामने, और एकदम खुली जगह हैं। यहां से हम लोग कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी एकदम खुली आँखों से देख सकते हैं, और आगे काफ़ी दूर जाने के बाद
मस्त पहाड़े हैं और ये पूरा का पूरा खुला हवा आके हमारे शरीर पे पड़ रहा है। मैं रात को आप लोगों को हालांकि उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कैसा फीलिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं हम लोग, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और इतनी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवाएं चलने का कारण यह है कि अभी अभी बूंदाबांदी हुआ है, जिसके कारण खेतों में और मिट्टियों में जो बूंदाबांदी हुआ उसके कारण जो खुशबू आ रहा है, जो मिट्टी की खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को कैसे बयां करूं, कैसे बताऊं कि कितना अच्छा लग रहा है। हवा और ये खुशबू, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे वीडियो के माध्यम से या अपनी मुँह जुबानी बयां नहीं की जा सकती। वीडियो के माध्यम से भले ही अपन एहसास करा सकते हैं महाराज उस चीज को, जैसा हम लोग फील कर रहे हैं, वो सुख नहीं दे सकते है? हाँ, जैसा हम लोग पा रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय कुछ ऐसा ही मौसम हुआ करता था, मतलब खपरे के घर पे रहते थे और रात के समय अचानक जब मौसम बदलता था, हवाएं चलती थी और आम का पेड़ था हमारे घर के पास और आम गिरता था और हम लोग रात को वहाँ उठते थे तो एकदम जो ठंड का मौसम और जैसा हम लोग फीलिंग करते थे बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आ रहा है। कसम से बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कितना मस्त लग रहा है। रात के लगभग 9 बज चुके हैं लेकिन समय की नज़ाकत को देख के हम लोग को जो है वापस जाना पड़ रहा है, नहीं तो इच्छा तो ऐसा हो रहा है कि कम से कम यहाँ हम लोग 1 से 1.5 घंटे तक खटिया निकाल के मस्त बैठ जाए और यहाँ पर लेट जाए और मस्त होती ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को बस ऐसे ही छूती रहे, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। चले महाराज, जाने का मन नहीं कर रहा है यार, लेकिन वे महाराज सही में सच में हम लोग को वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था और उस जगह को छोड़ने के बाद मेरे को कोई अपना एक अजीज मित्र को छोड़ के जा रहा हूँ ऐसा फीलिंग आ रहा है। और ये हवा जो हमारे शरीर में पड़ रहा है ना, कसम से पूरा एकदम पूरे शरीर को रोमांचित करके छोड़ दे रहा है। अल्फाज खोजने के लिए सामने जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिलोर मार रहे हैं, लग रहा है कि ये मौसम को पाकर ये लोग भी नाचने लगे हैं। ये देखिए पेड़ को बिल्कुल ब्रेक डांस कर रहे हैं हमारे सामने पेड़ वगैरह भी, और इनके डांस को देख के हम लोग पूरा का पूरा रोमांचित हो उठे हैं। मजा आ गया लेकिन ना, अरे बाप रे, हवा का प्रकोप देख रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसी तैसी हो गया, ये पूरा कागज वगैरह उड़ के, ये देखिए घर का दुर्दशा। इन हवाओं को तुम देखो और मैं तुम्हें हंसते हुए देखो। जो भी हमारे बंधुवर हैं आप सभी को गुड नाइट। गुड नाइट महाराज, जय बजरंगबली।